न्यू मेडिकल बड़ा चीज़ है। न्यू मेडिकल जो पढ़े हैं इसी का आंकिक है, फिजिक्स में न्यू मेडिकल जानना भी आवश्यक है और ये जानना ही पड़ता है, आगे हमेशा जरूरत पड़ेगी। टेंथ में भी पूछता, ट्वेल्थ में भी पूछता। हम लोग आइए थोड़ा न्यू मेडिकल करते हैं। न्यू मेडिकल इससे पहले कुछ मुख्य तथ्य जान लें। रिफ्लेक्शन, फ्लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मोटा मोटी जो मुख्य चीजें हैं उसको जान लेते हैं, फिर न्यू मेडिकल में हेल्प मिलेगी। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अगर प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती हो और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में रिटर्न आती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसी माध्यम से टकराकर वापस लौटने की प्रकाश की यह घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ऐसे ही ध्वनि के परावर्तन के भी दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला नियम कि अगर यहाँ पर चर्चा करें, पहला नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिससे पहला नियम हम लोग बात करें तो अगर कोई इंसिडेंट रे अगर किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, आपतित किरण चमकीली सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में रिटर्न जाती है, और जब जाती है तो यह बीच में लंब हो गया इसका, और एक मान लेते हैं मिरर है समतल दर्पण ए ओ बी, अर्थात यहाँ से आया यहाँ गया और ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है आपतन बिंदु पर, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर, परावर्तन के नियम के अनुसार। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक के अनुसार एक टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो है। पहला नियम की बात करें तो आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, ये इसके नियम है। दूसरा बात करें समतल दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, तो पढ़े होंगे थ्योरी आप, तो इसके अनुसार समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ज्यादा हम बड़ा हो जाए बड़ा नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी मौके में हम लोग समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एक तो आभासी होता है, दूसरा सीधा और तीसरा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण क्या, जिसे हम लोग रोज यूज करते हैं घर में। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तभी तो गाड़ी के पीछे गाड़ी में लगा होता है साइड में ड्राइवर को देखने के लिए, मोटरसाइकिल के बगल में देखिए दिखा रहा है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर और क्लोजर देन द एपियर, दिखाई देता है वो छोटा है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के अनुसार बनता है, अलग अलग मुख्य रूप से तो बड़ा बनता ही है लेकिन स्थिति के अनुसार, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। आवर्धन, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और उसके वस्तु की ऊंचाई है उसके अनुपात को क्या कहेंगे हम, आवर्धन, इसे एम से निरूपित किया जाता है, इंग्लिश में इसमें मैग्नीट्यूड कहा जाता है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान एक के बराबर होता है, समतल दर्पण में आवर्धन एक के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में एक से छोटा होता है, और अवतल दर्पण में एक या एक से बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है क्योंकि स्थिति के अनुसार बदलता है। और बात करें हम लोग इस चैप्टर की तो थोड़ा फिगर कर देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान लीजिएगा अपना भाषा में समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। प्रकाश का परावर्तन, अगर प्रकाश चला किसी माध्यम से टकराने के बाद रिटर्न किया, वो माध्यम क्या था, तो चिकनी सतह, जैसे कि समतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, और स्फेरिकल दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण, तो एक गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोला का एक भाग, ठीक है, गोला का एक भाग, जब गोला का ही भाग जिसे एक तरफ से कलाई कर दिया जाता है और इससे प्राप्त दर्पण को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है, थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। तो जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, दर्पण तीन प्रकार के, अवतल, समतल और उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो उत्तल
अपतन और ये समतल हो गई थी समतल। लेकिन प्रकाश, प्रकाश के नियम की बात करें तो सारे दर्पणों पर एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बिंब प्रतिबिंब की बात, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें प्रावर्तन या अपवर्तन के बाद, सीधे प्रावर्तन ही तो पढ़ रहे हम लोग, प्रावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, पर कटती है या कटती प्रतीत होती है, कटती प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, किसी बिंदु पर मिश्र प्रकाश की किरण आ रही है, प्रावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया, पहला प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जिस बिंदु बिंब से आ रहे प्रकाश के प्रावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आसान है, समझ लीजिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल में चलते हैं, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ सूत्रों का एक अवलोकन कर लें प्रकाश के प्रावर्तन के। तो पहला हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू होता है, F बराबर R by 2, जहां F फोकस है और R त्रिज्या है। और F बराबर R by 2 की बात करें तो फोकस दूरी और दर्पण, दर्पण की जहां F बराबर फोकस दूरी होता है और R बराबर दर्पण की त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो भाई आप लोग पढ़े होंगे इसके अनुसार। दूसरा हम लोग दूसरी दूसरी बात करें तो वह दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, जहां भी प्रतिबिंब दूरी u वस्तु और f फोकस दूरी। और तीसरी बात करें m बराबर माइनस v बटा u बराबर h1 / h, नोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तीन फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग बनाएंगे आगे। समतल दर्पण में याद रखना होगा कि कोई समतल दर्पण है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो या उतना ही दूर पर दिखाएगा, अर्थात समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, हल करेंगे इसको कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं उसका स्वरूप भी याद करके आप बताओ। देखिए हल करते हैं, एक वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने, मान लेते हैं कि यह अवतल दर्पण है, ठीक है, और इस अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी क्या है, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो वी यू और एफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसमें निकालना क्या है, देखिएगा, वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर वाले दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है। दर्पण के सामने क्या है, 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है और उसका स्वरूप भी दिखाना है। लेकिन u बराबर 60 f बराबर 20 क्यों, क्योंकि यह सर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो भी होगा तो इधर ही बनेगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस में होगा, जब ये दोनों माइनस में है तो सूत्र डालेंगे इसमें, तो 1/v + 1/u = 1/f, दर्पण सूत्र से 1/v का वैल्यू देखिए, तो 1/v + 1/u का वैल्यू तो दे रहा है + 1/u = -60, 1/f, f का वैल्यू भी -20 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1/v + 1/60 माइनस नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस कर दिया, बराबर -1/20। इसको उधर ले जाते हैं 1/v = 1/60 - 1/20, जो है वहीं पर इसको इधर ले आते, प्लस में आ गया,
दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होएगा, 20 तिहाई 60, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 60, 30 दूना 60, 1 बाय 30 माइनस में ही आ गया तो भी बराबर माइनस 30 होएगा क्योंकि पलट जाएगा 1/3 है माइनस भी बराबर भी बटा बराबर, तो 1 बाय 30 माइनस में जब आएगा 1 बाय 30 देखिए थोड़ा सा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के बाई ओर ही बनेगा भाई बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यहां से हम मान लेते हैं कि 30 लिए 60 सेंटीमीटर पर रखे तो मैं कहां पहुंचाया यहां पर 30 पर आके बना है ना, जब 30 पर आके बना छोटा था तो इसकी स्वरूप क्या होगा, तो किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करके दिखाइए। कहा कि किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात क्या होगा। देखिए मान लेते हैं यह एक दर्पण है, इस पर लंबवत आता है इस पर कर्ण लाइट, ऐसे आपतित किरण है, आपतित किरण जो लंबवत आया तो रिटर्न भी इसका यही होगा परावर्तित किरण किरण, तो आपतित किरण के लिए लंबवत जब आया नॉर्मल भी है भाई, तो आपतन कोण बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। भाई आपतन को तो कुछ बन नहीं रहा, इसी पर आया इसी पर गया, आपतन को 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण बराबर क्या, तो क्या नहीं परावर्तन कोण बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण का वैल्यू 0 तो परावर्तन कोण का भी वैल्यू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए, एक 6 मीटर लंबी वस्तु है, एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात क्या करना है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो नंबर वन के लिए मान लेते हैं कि यह दर्पण है, थोड़ी देर के लिए इट्स कॉल्ड दर्पण, इससे 2 मीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर कोई बिंब रखा हुआ है ए बी, तो एक 6 मीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात करना क्या है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई 6 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर इसका क्लियर है। दूसरा नंबर बात करें क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो हम लोग जानते हैं दर्पण से प्रतिबिंब तो सेम ही होगी ना भाई, दर्पण से समतल दर्पण में कि बिंब की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर ही होएगा। तीसरी नंबर बात करें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी 2 है तो 2 और बिंब की दूरी फिर भी 2 हो जाएगा, डीई डाल देते हैं तो ई भी 2 हो जाएगा, एनो डाल दो भाई तो 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर, बस यही तो है। दो मीटर प्लस दो मीटर = 4 मीटर, 2 मीटर ही रह जाएगा इसका 6 मीटर रह जाएगा। ध्यान दीजिए एक और है, उस उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है
बस वही काम करेंगे हम लोग उस उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखिए पहले, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है, इसका वक्रता त्रिज्या किधर होता है, दाएं तरफ होता है। तो जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना दे दिया 32 सेंटीमीटर, प्लस में डाल लो। f बराबर ज्ञात करना है, हम लोग जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r बाय 2, अर्थात 32 बट्टा 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगी इसकी दूरी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। आसान तो है, कहा किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी सेम वही है, उत्तल दर्पण है भाई, तो r बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर, a बराबर 8, तो a बराबर r बाई 2 भाई, बड़ा बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। बस बना लो भैया आराम से, छोटी छोटी चीजें। कहा कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है और आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कोई वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, चूंकि f बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 सेंटीमीटर की होगी, किया उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में होता है प्लस f का वैल्यू, तो औतन पे रहता तो माइनस होता, तो प्लस हो गया। तो कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, रखी कितनी दूरी पर गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो ये भी प्लस होगा। 10 सेंटीमीटर वस्तु तो भाई सब में निगेटिव ही होता है, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात। अब हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो 1 by v + 1 by u बराबर 1 by f होता है, u को उधर भेज भाई, 1 by v माइनस यहाँ पर डालो 1 by 10 इज इक्वल टू 1 by f, क्योंकि माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस 10 का वैल्यू उधर जाएगा, 1 by v बराबर इसका तो वैल्यू लोगों को पता ही है 15 है, तो 1 by 15 प्लस 1 by 10। अब इसको हल करेंगे तो 15 10 कैल्सियम 30, अब 15 दूना 30 2 प्लस 10 30 5 बटा 30 अर्थात 6 पंजा 30 1 बटा 6 अर्थात v बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो धनात्मक चिन्ह यह दिखाता है, धनात्मक चिन्ह यह दिखाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से छोटा होगा, छोटा तो है ही, छोटा होगा। अब निकालना हम लोगों को आवर्धन, आवर्धन आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा u, तो v का वैल्यू निकालिए ना भाई, तो v माइनस 6 बटा u का वैल्यू, u का वैल्यू माइनस 10, यदि माइनस प्लस है इससे कट गया तो क्या हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।